Hello student, welcome in this video. And this video is for class 10th CBSE, and this is the 6th chapter, the making of a scientist, of the book Footprints Without Feet. Okay, so let's start. And top of the head there is given an introduction of the chapter. Richard Ebright has received the Shirley Scholar Award and the Scaringflaw Award for biochemistry and molecular biology. If it was his fascination for butterflies that opened the world of science to him, Richard Ebright जो है उसने Shirley Scholar Award साथ में Scaringflaw Award जो है biochemistry या जीव रसायन के अंदर प्राप्त किया, एंड मोलिकुलर बायोलॉजी और साथ में जो अणु विज्ञान था, अणु सिद्धांत विज्ञान था, उसके अंदर उन्होंने प्राप्त किया. साथ में इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, क्योंकि उसका जो आकर्षण था वो तितलियों के प्रति था. दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसके कारण से विज्ञान में, विज्ञान की दुनिया में उसके लिए नए रास्ते खुले, नए दरवाजे खुले. ठीक है, उससे उसको एक प्रेरणा मिली. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रीड एंड फाइंड आउट. यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, कि रिचर्ड एब्राइट के जीवन में एक बुक जो है वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, और हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उसकी माता ने उसकी सहायता किस प्रकार से की. ओके, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि जो 22 साल की उम्र में एक औपचारिक स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि उस साल का स्वयं सेवक, उस साल के स्वयं सेवक जो कि विज्ञान में बेहद रुचि रखता था, ठीक है, इस दुनिया में एक नए सिद्धांत पे उसने खोज की और उसने ये पता लगाया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कलिग कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. और रिचर्ड एब्राइट और उसके दूसरे कॉलेज के जो कमरे में रहने वाले उसके साथी थे, उन्होंने एक लेख में इस थियरी को एक्सप्लेन किया. और वॉट वॉज द नेम ऑफ थियरी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. ओके, इट वॉज द फर्स्ट टाइम हिज इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो पत्रिका है वो किसी कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा प्रकाशित की गई है. एंड स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15, ये ऐसा ही है जैसे कि एक 15 साल की उम्र के किसी लड़के के द्वारा एक बड़े लेवल पे रन बना लेना. एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और जब आप अपने किसी होम फील्ड में पहली बार अपने बैट से खेल रहे हो. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. और रिचर्ड एब्राइट के लिए ये उपलब्धियों का एक बड़ा क्रम था विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और उसने अपना काम तितलियों से शुरू किया. एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, देर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर. और एक बच्चे के रूप में एब्राइट का जो पालन पोषण हुआ था वो USA के पेनिसिल्वेनिया रीडिंग नामक स्थान पर, जो यानी कि जो नॉर्थ ऑफ रीडिंग यानी कि जो उत्तरी रीडिंग में पड़ता है, वहाँ उसका लालन पोषण हुआ. देर वॉज एंड मच आई कुड डू देयर ही सैड, उसने कहा कि जैसा मैं वहाँ देख सकता था वहाँ कुछ नहीं था. आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन, मैं किसी के भी साथ वहाँ फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था. बट देर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, किंतु वहाँ एक चीज़ ज़रूर करने के लिए थी और वो थी चीज़ों को इकट्ठा करना. सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और उसने केवल वही किया और केवल वही किया. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. और शुरुआत में ही किंडरगार्टन यानी कि एब्राइट ने तितलियों को इकट्ठा करना चालू किया उसी दृढ़ संकल्प के साथ, और उसने तितलियों की प्रत्येक एक्टिविटी को मार्क किया. ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स,
उसने यहाँ तक कि चट्टानों के अवशेष, जीवाश्म और सिक्कों को इकट्ठा किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, इस तरीके से वो एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गया। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑन लाइट, और कभी कभी तो रात के समय तारों को निहारता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और शुरुआत से ही वो एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनक्रेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसकी एक माता थी जो हमेशा से ही उसके लर्निंग में उसकी मदद करती थी या उसको इनक्रेज करती थी, उत्साहित करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड माउंटिंग मटेरियल्स, और वह उसको यात्राओं पर लेकर जाती थी। उसके लिए टेलीस्कोप लेकर, यानी कि दूरदर्शी लेकर आई, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी लेके आई, कैमराज कैमरा लेके आई, माउंटिंग मटेरियल्स और दूसरे जो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए मटेरियल्स थे वो लेकर आई, एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और साथ में दूसरे उपकरण जो कि दूसरे तरीके से उसकी सहायता कर सकते थे। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, और मैं केवल उसका अकेला साथी था जो उसने जब स्कूल जाना चालू किया था, उसकी माता ने कहा, हिज मदर सेड, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, और हम घर पर एक मित्र जैसा ही बर्ताव करते थे, किंतु रात के समय हम एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे, यानी कि हम साथ होते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड वैन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, और रिची जो था वो मेरी पूरी ज़िंदगी था जब उसके पापा गुजर गए यानी एक्सपायर हो गए, और रिची उस समय थर्ड क्लास में था। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, और उसकी मम्मा ने और उस बेटे ने हमेशा ही अपने शाम को डाइनिंग टेबल पर एक साथ बिताया। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, और यदि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसे काम करने के लिए देती, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, मैं उसे कोई भौतिक रूप के काम यानी भौतिक रूप से कोई काम नहीं देती बल्कि उसे सीखने के लिए कोई काम देती। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा, ही लाइक्ड इट, और जो एब्राइट था वो इस काम को बड़ा पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, और वह इस काम को सीखना चाहता था, एंड लर्न ही डिड, और उसने केवल सीखने का ही काम किया। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और उसने स्कूल में अच्छे ग्रेड से पास किया। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और प्रतिदिन वो वैसे ही दूसरे बच्चों की तरह काम भी किया करता था। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा, By the time he was in the second grade, और समय के साथ ही जब वो दूसरी क्लास में था, Albright had collected all 25 species of butterflies and found around his hometown, और Albright जो था उसने लगभग butterflies की जो है 25 प्रजातियों को इकट्ठा किया जो उसके आसपास होम टाउन में पाई जाती थी। See following box and you can see that species and sub species of butterflies, यानी कि तितलियों की प्रजाति और उप प्रजातियाँ। कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, जो 6 सप्ताह में इनको कलेक्ट किया गया था रीडिंग पेनिसिल्वेनिया में। इसमें गोजामर विंग्ड बटरफ्लाइज, ये इसकी अलग कैटेगरी है जिसमें अलग अलग टाइप की तितलियां हैं, जैसे वाइट एम हेयर स्टिक, एकेडियन हेयर स्टिक, ब्रॉन्ज कॉपर, बॉक कॉपर, पर्पलिस कॉपर, ईस्टर्न टेल ब्लू, मेलिसा ब्लू, सिल्वरी ब्लू, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्नाउट बटरफ्लाई और है, और वुड निम्स एंड सेट्राइट्स, इसमें दो हैं, आइट ब्राउन और वुड निम्प ग्रेलिंग। मोनार्क्स में भी हैं, एक मोनार्क और मिल्कवीड, और वाइट एंड सल्फर्स जिसमें ओलिम्पिया और क्लाउडलेस सल्फर, यूरोपियन कैबेज, और ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज में हैं जिसमें वेरीगेटेड फ्राइटलरी और हैरिसी चेकर्स पोस्ट, पल क्रेसेंट, मॉर्निंग क्लॉक, पेंटेड लेडी, बकाई, वाइसरी, वाइट एडमायरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैकबेरी। ओके स्टूडेंट, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, और शायद संभवतः इन तितलियों को इकट्ठा करने का ये काम मेरा अंतिम था, ये सेट उसने बताया। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, किंतु जिस समय मेरी माता ने बच्चों की एक किताब आती है जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, वो मुझे लाकर दी।
That book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. और इस किताब ने उसे बताया कि मोनार्क तितलियां जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर किस तरीके से प्रवासन करती है, यानी कि माइग्रेट करती है, और इस तरीके से एक उत्सुक कलेक्टर के लिए, यानी कि उस एब्राइट के लिए साइंस, इस दुनिया में साइंस के नए दरवाजे खुले। एट द एंड ऑफ द बुक, और इस बुक के लास्ट में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। पाठकों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है कि वो बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में उसके अध्ययन में उसकी सहायता करें। देवर आस्क टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाई डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और कनाडा के जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर हैं डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, उनके द्वारा ये बताया गया कि बटरफ्लाइज के ऊपर टैग किया जाए, यानी कि उनको एक लोगो दिया जाए। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड सोन एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। और एल्ब्राइट की जो माता थी उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा कि जल्दी ही साथ में एब्राइट ने अपने किसी चिपचिपे पदार्थ की सहायता से मोनार्क तितलियों के ऊपर उन्होंने टैग लगाना चालू किया। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द डॉक्टर डैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। और उसमें ये बताया गया कि किसी को भी अगर तितली टैग लगी हुई मिलती है तो वो वापस से डॉक्टर अर्कहार्ट को उसे वापस दे दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन द लेट समर। और तितलियाँ इकट्ठा करने का जो समय होता है रीडिंग में, वो पिछले 6 सप्ताह जो गर्मी के बस्ते हैं उसमें। सी ग्राफ बिलो, हम नीचे पैराग्राफ देख सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाई वन, और अगर आप उनमें एक एक चीज़ को देखने वाले हो, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो तुम्हें बहुत कम पकड़ में आएगी, यानी कि बहुत कम तितलियों को तुम वापस पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। और अब एब्राइट के लिए अंतिम कदम था कि वो तितलियों का एक बड़ा झुंड टैग लगाकर भेजे। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। उसके बाद उसने एक फीमेल मोनार्क ली और उसके अंडे उसने इकट्ठे किए एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और उनके पूरे जीवन चक्र के बारे में पता लगाने के लिए उसने अपने बेसमेंट में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, कि अंडे से कैटरपिलर कैसे बनता है और कैटरपिलर से प्यूपा कैसे बनता है। उसके बाद एक प्यूपा, यानी कि एडल्ट, जो प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई कैसे बनती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज, उसके बाद वो तितलियों के ऊपर टैग लगाता विंग्स उसके पंखों के ऊपर एंड लेट देम गो, और उसे उड़ा देता। फॉर सेवल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इस तरीके से कई सालों तक उसके बेसमेंट में मोनार्क तितलियों के विकास के जीवन चक्र की प्रक्रियाएँ जो है चलती रही। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी दैट गिवन पैराग्राफ, ओके। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, गोजामर विंग्ड, देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो तितलियाँ पकड़ी गई हैं वो किस एवरेज में पकड़ी गई हैं उसके बारे में, 6 मंथ्स के बारे में बताया गया है। वुड निम्स एंड सेटायर्स ब्रश फुटेड, ठीक है, इसमें वाइट्स एंड सल्फर्स है, मोनार्क के स्नाउट है। ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स।